नमस्कार, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये तीन केसेस हैं टुडे। हम प्राइवेसी के हिसाब से नाम भी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, बट एक पेशेंट है जो कि जिनका की एंडोमेट्रियम कम रहने के कारण 3.5 एंडोमेट्रियम रहता था, दो बार, एक बार तो कैंसिल किया हूँ। एक बार कैंसिल किया कि दो बार? एक बार कैंसिल किया। फिर उसके बाद में आई ट्राइड ईस्ट्रोजेन विद पीआरपी विद जीसीएसएफ, एंड जो टोटल पहुंचा था किसी तरह 5 मिलीमीटर पर, एंड शी गॉट ए प्रेगनेंसी। दूसरा एक पेशेंट है, शी इज हैविंग 2 IVF फेलियर बाहर से। एक बार मेरे पास भी आए थे तो भी एक नहीं बना था, तो हम लौटा दिए थे, ऐसे ही था ना। और जो साइज ऑफ द एग्स वेयर लेस, रेगुलर पीरियड रेगुलर नहीं होता था, एंड हस्बैंड वाज एजोस्पर्मिक एंड टीसा स्पर्म प्रेजेंट, एंड शी गॉट ए प्रेगनेंसी टुडे। इनके फॉलिकल भी बहुत छोटे होते थे, एट द टाइम ऑफ पिकअप वी वेयर स्केयर्ड कि कैसे होगा, बट एंड जो थर्ड केस है, शी इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट केस। शी इज ऑल्सो फेल्ड, मेरे ख्याल से एक बार ये भी फेल हुई है। मुद्दे की बात ये है कि जो केसेस होते हैं उसमें कई लोगों को ये लगता है कि ऐसे केसेस में आईवीएफ करना चाहिए कि नहीं, सक्सेस होगा कि नहीं, पर मैं ये तीनों लोगों का साहस का दाद देता हूँ, और साथ में ये भी एक फील होता है कि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको सफलता मिलेगी नहीं। जो एंडोमेट्रियम कम वाली जो पेशेंट थी, बहुत परेशान थे हम लोग, उसका एंडोमेट्रियम इम्प्रूव ही नहीं होता था। फिर जितने भी मेरे पास में गैजेट्स थे वो यूज करके, शी इज हैविंग मोर देन 1500। ये जो लड़की है जिसका आईवीएफ फेल हुआ और जिसके एग्स अच्छे नहीं बनते थे, एजोस्पर्मिया था, इन लोग भी इतने निराश थे, बट करते समय भी इतनी डिफिकल्टीज हुई हैं, बट अल्टीमेटली वेन यू डू द डिफिकल्ट थिंग्स देन यू गेट द सक्सेस। अदरवाइज तकलीफों से डर जाना और हार मान जाना वो ठीक नहीं होता। हो सकता आप सक्सेसफुल ना हो, बहुत सारे पैसे खर्चा हो जाते हैं, यदि काम नहीं होता है तो वो पैसे डूब जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, डॉक्टर को भी होती है, पेशेंट को तो होती ही है, बट अल्टीमेटली जब आप युद्ध को लड़ेंगे नहीं तो आप जीत भी नहीं सकते। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये मुझ पर भरोसा किए और टिके रहे मेरे साथ में, और बाकी परमात्मा की कृपा है, ऊपर वाले की दया है कि आपका यदि काम अच्छे से किया जाए तो सफलता मिलने की संभावना रहती है। अदरवाइज ये रिस्की खेल है, बट जो साहसी होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, भविष्य उन्हीं का साथ देता है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़े और हमको भरोसा किए, क्योंकि सब लौटे हुए हैं, सब फेल पहले हो चुके हैं, बट दे हैव स्टेड विथ मी, मेरे साथ टिके रहे। खासकर ये लड़की तो इतनी परेशान थी, मन को अच्छा ये लगता है कि सबसे अच्छी बात है कि ये लौट के आए और मुझ पे भरोसा करें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, गॉड ब्लेस यू।